नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अगर फिर से हमारी न्यू वीडियो में। दोस्तों आज आप देख सकते हैं फिर से सुरतावा ब्रिज का हाल। ये देखिए, ये भाई साहब इतनी स्पीड में गाड़ी लाए, ये जो गाड़ी बंद पड़ी है, फुल स्पीड में गाड़ी लाई और गाड़ी बीच में बंद पड़ गई। क्यों? क्योंकि तो गाड़ी कम से कम इतनी स्पीड में पानी लाए और पानी आगे से उठ के शीशे तक आ गया था, तो पानी लगा सेंसर को और गाड़ी एक बार बीच में बंद पड़ी और सिलेंसर में गया पानी, तो गाड़ी स्टार्ट होना है नामुमकिन। ये बस आपकी गाड़ी पड़ चुकी है यहाँ बंद और जाम तो भाई दोनों साइड ही लग चुका है, क्योंकि तो एक एक सिंगल सिंगल गाड़ी निकाल रहे हैं। ये देख सकते हैं आप इस साइड भी, ये देखिए भाई, ये ऐसा नहीं, बिल्कुल स्लो गाड़ी लाओगे तो आपकी गाड़ी को कुछ नहीं होगा। ये भाई साहब भी ऐसे ही भगा के गाड़ी लाए थे, पर ये तो निकल गई भाई। ये देखिए वो साइड भी पूरा जाम लगा दोस्तों, कम से कम 1 किलोमीटर तक जाम लग चुका है, क्योंकि सिंगल सिंगल ही गाड़ी निकाल रहे हैं। बाकी हमारी तरफ से जितनी कोशिश, झंडे बांध दिए हमने दोनों साइड, ये देख सकते हैं आप कहाँ जो ब्रिज की जो डायरेक्शन है पता चल सके। बाकी रहा पानी की हालचाल, भाई पानी तो बहुत बढ़ चुका है अभी, वैसे तो स्टेबल है पानी, बहना ही रहा अभी। बाकी अपने स्कूटर जो दोनों साइड के डूब चुके हैं देख सकते हैं आप। तो भाई ये साइड आने वाला अपना बूम पंप, आज कास्टिंग है अपना A2 साइड का, तो उसके लिए क्या है थोड़ा पिचिंग, यहाँ पर थोड़ा दलदल सा था, चैनिंग कर रहे हैं ताकि मजबूत हो जाए, थोड़ा बूम पंप लगने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और रहा रिटेनिंग वाल का हाल चाल देख सकते हैं दोस्तों, रिटेनिंग वाल अपना इस साइड लगभग लगभग कंप्लीट होने पे है, सिर्फ एक लिफ्ट उधर का, दो लिफ्ट बचा है, एक लिफ्ट आएगा दोस्तों उधर, उसके बाद अपना रिटेनिंग वाल हो जाएगा कंप्लीट यहाँ का। तो चलते हैं अभी दोस्तों ऊपर की तरफ, ऊपर का भी हाल चाल बताते हैं आपको। भाई क्या है, जो बेली ब्रिज अपना रेडी तो हो चुका है देख सकते हैं आप, पर दोस्तों अभी निकलना अलाउड नहीं है यहाँ से। अलाउड इसलिए नहीं है क्योंकि अभी इनका काम पूरा नहीं हुआ आर्मी का, देख सकते हैं ये साइड वाल बन रही है, जैसे जो पहले पत्थर लगे दोनों साइड वाल बनेगी, ये साइड भी बनेगी, उसके बाद ये काम कम्प्लीट होगा और कुछ और काम बाकी है ब्रिज का। तो लोग है कि सुनने को तैयार नहीं है, सिर्फ हाँ आर्मी वालों को कहना है सिर्फ बच्चे जो स्कूल वाले सिर्फ वो जा सकते हैं, बाकी कोई भी ब्रिज के ऊपर से ना गुजरे। ये देख सकते हैं आप हमारा पहली ब्रिज रेडी हो चुका है, सेकंड रो भी लग गया कल इसका, प्लेट बेस प्लेट भी लग गया, पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी इसको तोड़ोगे क्या? ये देखिए भाई वाल बन रही है, ये वाल बन जाएगी दोनों साइड, ये साइड भी बनना है और वो साइड भी बनना दोस्तों, दोनों साइड वाल बनने के बाद अपना रोड हो जाएगा कम्प्लीट। फिर अपना पहली ब्रिज भाई लगभग 90% कम्प्लीट हो चुका है, बेस प्लेट लग चुकी है, कुछ बंदे रात भी छोड़े थे इन्होंने सिर्फ वैसे ही थोड़े टाइम के लिए, फिर बंद कर दिया था, लेकिन अभी मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रोक कहाँ रुक रहे हैं, तो पैदल वाले हैं, तो इतना अभी टेंशन का काम भी नहीं है, निकलने दे, पर क्या करें अभी आर्मी के रूल होते हैं भाई, नहीं निकलने दे सकते किसी को। तो देख सकते हैं भाई अपना बेली ब्रिज ऑफ दोनों साइड से, अभी भाई अपने को क्या करना है, अभी कटिंग करके ना यहाँ पे GSB भरना है, GSB भर के कंक्रीट करना है दोनों साइड में। ये देख सकते हैं बाकी तो लगभग कंप्लीट हो चुका है बेस प्लेट टोटली, ये देखिए साइड से भी देखिए दोस्तों। तो चलिए अभी आप अपने ब्रिज की तरफ, अपना देखिए ये साइड का जो A2 साइड का है, आज स्लैब है, स्लैब का कॉस्टिंग है आज, बाकी देखते भाई कब तक क्या क्या होता है, तो बने रही आज पूरा दिन हमारे साथ ही है। लास्ट इन्फॉर्मेशन आपको एक और दे दूँ, आप मार्किंग देख सकते हैं, ये तो यहाँ पे एक बोर्ड बनेगा दोस्तों 5.5 मीटर हाइट और विड्थ होगा उसका 3.5 मीटर, जिसके अंदर से ही गाड़ियाँ निकलेगी, जो ज़्यादा चौड़ी हो ज़्यादा हाइटेड गाड़ी होगी वो इसके ऊपर से नहीं निकलेगी, वो अलाव नहीं है, इसीलिए ये बोर्ड बनाए जा रहे हैं, एक इधर बनाया जाएगा एक ही RTC एंड पे बनाया जाएगा दोस्तों। तो भाई वो जो एक हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर करना कि जो भाई अपने बाहर से आते हैं बड़ी गाड़ी वाले, देख सकते हैं आप उनका बहुत बाहर होती है वो गाड़ियाँ ऊपर से, तो वो गाड़ियाँ अंदर नहीं घुस पाएगी, बेशक वो 40 टन के अंदर ही हो तो वो गाड़ियाँ नहीं घुस पाएगी। तो अभी चलता हूँ आपको फिर से एक बार बेली ब्रिज के पास लेके और आपको एक खास इन्फॉर्मेशन और देता हूँ। तो और ख़ास बात ये है दोस्तों, जो अपना ब्रिज है ना, ये बेली ब्रिज, इसका जो अंदर देख सकते हैं आप, जो बेस प्लेट नीचे लगा है जिसपे से गाड़ी जाएगी वो 3.5 मीटर के करीब है, तो अपना लगभग जो गाड़ियाँ हैं 3.5 मीटर के अंदर ही रहता है, जितना भी गाड़ियाँ हैं 8 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 8 फीट ही होता है वो, 8 से 9 फीट, इससे ज़्यादा चौड़ी गाड़ी नहीं होती अपनी, ठीक है दोस्तों। तो इससे चौड़ी गाड़ी तो अभी जैसा आपने देखा होगा, जो कर्नाटका साइड से गाड़ियाँ आती हैं जो ऊपर से बहुत बाहर रहती है वो गाड़ियाँ,
तो वो गाड़ी यहाँ से नहीं निकल पाएगी, उनके लिए खास इन्फॉर्मेशन है। ठीक है भाई, बाकी इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच जाए तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, और एक ये है कि 1 अक्टूबर तक तो अपना ये ब्रिज भी चालू हो जाएगा, जो अपना बन रहा है ना, ये अपना नेशनल हाईवे वाला ब्रिज 1 अक्टूबर तक ये चालू हो जाएगा, फिर किसी भी गाड़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई। खास बात दोस्तों ये है कि ये जो ब्रिज है सिर्फ 40 टन ही पास है, उससे ज़्यादा ओवरलोडेड गाड़ी इस पर नहीं जाएगी। हाँ, लेकिन आर्मी का कहना है कि इस आर्मी अपना जो अपना वेली ब्रिज है इस पर आप 70 टन तक गाड़ियाँ पास करा सकते हैं, अगर उसमें NHAI अनुमति देती है, जो अपना नीचे का पेयर है, पेयर कैप है जो, वो अगर वो मजबूत रहेगा। बाकी जो इसकी ब्रिज की कैपेसिटी है, जो स्टील की है इसकी कैपेसिटी, वो 70 टन तक पास है आर्मी की तरफ से। बाकी उन्होंने अभी अलाउड किया है सिर्फ 40 टन, आप 40 टन तक इस पे से गाड़ी निकाल सकते हैं, उसके ज़्यादा नहीं। तो बाकी तो देख ही सकते हैं, अब दोनों साइड वाल बनना चालू हो चुका है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों। अभी चलता हूँ आपको थोड़ा अपने ब्रिज के ऊपर लेके शटरिंग का, और किधर किधर अपना जो क्रॉस कटर है कितना हो गया है, क्या क्या है, तो चलिए अभी चलते हैं ब्रिज के ऊपर। तो भाई हम आ चुके हैं अपने ब्रिज के ऊपर, अभी यहाँ पर दिखाते हैं आपको कहाँ कहाँ क्या क्या काम बाकी है और क्या क्या हो चुका है। तो ये देखिए अभी अटारसी एंड के तीनों भी क्रॉस कटर शायद आज हो जाए, उसका इन्फोर्समेंट वर्क चालू है, काम चालू है उनका। चलिए अभी ये साइड टारसी एंड हो गया है अपना, ये वन वाला साइड, और ये आया अपना पियर वाला, ये रहा दोस्तों अपना पियर, ये P1 है दोस्तों। इधर के भी अभी क्रॉस गार्डर नहीं हुए, ये देख सकते हैं अब, ये भी शायद आज हो जाए। और रही बात ये देखिए, ये हो चुकी है जो P1 के सेंटर वाला पोर्शन है, जो ना जो पियर पे है, उसके तीनों के तीनों क्रॉस गटर रात हो चुके हैं। तो आगे चलिए, ये साइड तो लगभग भाई पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, आगे जो हम आपको दिखा रहे हैं A2 साइड का आज स्लैब का कास्टिंग पक्का है दोस्तों, डन है वो तो, क्यों क्रॉस गटर तो इनके कल ही हो चुके थे, ये देख सकते हैं आप। तो A2 साइड के क्रॉस गटर तो 2-3 दिन पहले हो गए दोस्तों, और सिर्फ स्टील बांधना चालू था, तो वो भी लगभग देख सकते हैं आप पूरा कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत काम बाकी बचा है अभी, जो बाकी कर रहे हैं साइड का, क्रैश बैरियर का हो गया जैसे, बाकी देख सकते हैं आप। तो आज भाई इसका भी कास्टिंग हो जाएगा, बहुत ही स्पीड से काम चल रहा है दोस्तों, ऐसा नहीं कोई जैसा मतलब एक मिशन होता ना, एक मिशन की तरह पूरा काम चल रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। तो रही बात रिटेनिंग वाल के ऊपर से दिखाता हूँ आपको, रिटेनिंग वाल का देखिए आप, लास्ट वाला लिफ्ट बाकी है इसका तो हो चुका, इसके एक साइड का शटरिंग खुलना चालू है, वो साइड का शटरिंग लगा दिया इन्होंने, आज उसको भी कास्टिंग कर देंगे। और रहा अपने रोड का हाल देखो दोस्तों, ये रहा कॉजवे देखिए ऊपर, ये अपना कॉजवे देखिए दोस्तों हाल कैसा है। सेफ्टी पट्टी हमने दोनों साइड बांध रखी है दोस्तों, जिससे क्या एक सिर्फ ब्रिज है जो, उसका मेजरमेंट पता चल सके दोस्तों को भी किधर अपन को उससे बाहर नहीं जाना है, क्योंकि ब्रिज तो आप देख सकते हैं पूरा डूबी चुका है, हल्का फुल्का अपना ये साइड का जो स्पॉटर है वो दिख रहा है, बाकी तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। और जाम दिखाऊं मैं आपको तो दोस्तों देखिए जाम कितनी दूर तक लगा है, ये रहा बैतूल साइड, देखिए आप पीछे तक देख सकते हैं आप पूरा, बहुत लंबा जाम है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको इटारसी साइड का, तो चलिए अभी इटारसी की तरफ। ये देखिए दोस्तों, ऐसा जैसे गाड़ी आती है ना, जो पानी की फाल आती है उससे, ही देखिए जो पैदल चल रहे हैं जैसे औरतें हैं, बच्चे हैं देखो गोद में, उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है ये। तो ज़्यादा अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, अभी ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन आज का दिन है इनका, आज कल इनको ओपनिंग कर देंगे ये, जो पैदल वाले उस वेली ब्रिज के ऊपर से जा सकेंगे दोस्तों, पैदल वालों के लिए टेंशन खत्म हो जाएगा, कॉजवे का सिर्फ बाइक भी वैसे जा ही सकती है, लेकिन बाइक इसलिए नहीं जाने देंगे क्योंकि अभी आगे का अपन को प्रोसेस है, जो रोड है दोनों साइड का वो प्रिपेयर करना है, तो अभी उसको प्रिपेयर कर नहीं सकते जब तक आर्मी का सामान पड़ा है पूरा, आप देख सकते हैं पूरा कैंप लगा हुआ है। तो ये रहा भाई इटारसी साइड से देखिए दोस्तों, इधर भी बहुत दूर तक है, यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा मैं, बहुत लंबा जाम है दोस्तों, बहुत ही लंबा, ये देखिए आप
जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ आप। देखिए दोस्तों बहुत बुरा हाल है, अभी दो दिन में अपना ये कंप्लीट हो गया तो बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। कम से कम जाम को तो राहत मिल जाएगी, बड़ी गाड़ियों को टेंशन है, बड़ी गाड़ी आराम से नीचे से जा सकती है दोस्तों। तो ये देखिए ये साइड अभी पूरे आप देख सकते हैं आर्मी के टेंट लगे हुए हैं, इसलिए हम ये साइड का प्रिपेयर नहीं कर रहे अभी। बाकी NHA की तरफ पे कोई मूवमेंट नहीं आया, जब वो कुछ ऑर्डर दे देंगे तो बनाना चालू कर देंगे, क्योंकि उनकी परमिशन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जब NHA बोल दी हमारा काम हो जाएगा चालू, इधर का जो भी बनाना है या कुछ भी करना है। तो वीडियो को करते हैं यहाँ भी क्लोज दोस्तों, ये हो गया आज का विवरण। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताएं। ये साइड से सिर्फ स्कूल वाले बच्चों को जाना अलाउड है दोस्तों, आर्मी ने किया है अलाउड आर्मी वाले बच्चे अपना स्कूल वाले बच्चों को, तो बाकी कोई भी नहीं जा सकता है। तो फाइनली दोस्तों हम जो नीचे का मटेरियल अभी वो निकालना चालू कर रहे हैं, देख सकते हैं आप है तो पानी के अंदर ही, पर दोस्तों दिक्कत नहीं है क्योंकि पूरा बोल्डर ही था, आपको आपके सामने पता ही है, आपको वीडियो में डाला था मैंने। तो जितना भी बोल्डर है पूरा ये मिट्टी बोल्डर सारा बाहर निकालेंगे, जिसमें कम से कम 20% मिट्टी होगा, 20%, बाकी पूरा 80% पूरा बोल्डर ही है। इसको निकाल के पूरा वो साइड में कर देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा पूरा फ्री। क्या इसमें वैसे भी निकालना बहुत जरूरी है, भविष्य के लिए भी ठीक है। तो आप देख सकते हैं पोकलाइन नीचे लग चुकी है, निकालना कर रहे हैं चालू, पर बहुत सेफ्टी से निकालना पड़ेगा दोस्तों। अगर बूम थोड़ा भी ऊपर उठाया तो सीधा गटर पे टच होगा, इसलिए एक हमारा सीनियर ऑपरेटर है, ये अच्छा ऑपरेटर है पंकू, तो भाई लगभग जो अपना बेली ब्रिज है कंप्लीट हो ही चुका, सिर्फ एक रीचेक कर रहे हैं एक बार फिर से। देखिए अभी इनका सामान देखिए दोस्तों, एक एक सामान की गिनती हो रही है, पूरा लाइन से लगा के कितना सामान हम लेके आए थे, कितना हमारा ख़राब हुआ जो भी है। देखिए अभी अभी वापसी की तैयारी है इनकी, कल शायद ये ओपनिंग कर दें और कल खुद चले जाएं। हर एक चीज़ की पूरी स्टिक पूरी मतलब उससे देख रेख में, पूरा एक एक चीज़ का पूरा हिसाब ले रहे थे, कौन सी चीज़ हम कितनी लाए थे, गाड़ी लोड कर रहे हैं। रेडिफिकेशन पूरा हो गया इनका, अभी फ़ोटो ली जा रही है, एक ग्रुप फ़ोटो सब देख रहे हैं, पूरा काम कर दिया इन लोगों ने। फिर दहिया जी साहब है जो इनके ब्रिज के इंचार्ज है, जो भाई ज़्यादा तो वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं आपको भाई। देखिए दोस्तों पूरे सेफ्टी के साथ काम करते हैं अपने दहिया जी साहब है जो फ़ोन पे लगे हुए, पूरी सेफ्टी रस्सी पूरा अपना जैकेट बांध के, पूरा गिर भी जाए तो नीचे नहीं पड़ेंगे आप। तो ये साइड भी देख सकते हैं भाई आप, अपना हमारा जो कंसल्टेंट टीम है चेक आ चुका है साइड में चेकिंग के लिए, जो आज हमारा फाइन अपना फर्स्ट वाला जो हमारा कास्टिंग होना है अपना स्लैब, उसके लिए चेकिंग चल रहा है ऊपर। देख सकते हैं पूरी टीम आ चुकी है, NHA की भी आई हुई है, कंसल्टेंट टीम भी आ चुकी है। तो आर्मी वाले भाई देखो अपना आज कल ये अपना फाइनल करेंगे, अपने दहिया साहब है अच्छे बंदे हैं, बहुत बढ़िया अच्छे से बात करते हैं सब। तो ये साइड भाई देख सकते हैं अपनी पोकलाइन, अभी पोकलाइन सी मदद से ही थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का है इनको स्टील टील ऊपर चढ़ाने का, अगर हेडर भी आ चुका अपना। तो वीडियो को करते हैं यहाँ पे क्लोज दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन आर्मी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।